हे गाइस, क्या चल? आशा करते हैं कुछ दिन बल अच्छे से ध्यान रख रहे हो। अपना स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यार, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसको खोल के दिखाया था कि इसके अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है, मैंने आपको समझाया था। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये 200 वाट तक का पावर आउटपुट कर पाएगा, लेकिन मैं गलत था। दुकानदार ने मुझे दूसरा वाला बताया था, इन्वर्टर था वो 200 वाट का था, लेकिन ये 100 वाट का ही था। तो मेरे से गलती हुआ, मुझे लगा था ये 200 वाट का होगा, इसलिए मैं 200 वाट का बल्ब लगा के को ट्राई कर रहा था, लेकिन ये 200 वाट का नहीं है, 100 वाट तक का आउटपुट दे सकता है, इसलिए मतलब 200 वाट का बल्ब को नहीं जला पाया। लेकिन फिर भी 120 वाट तक का आउटपुट दे रहा था, जो बहुत ही अच्छा था। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इसका उसको हम लोग मॉडिफाई करके देखेंगे कि क्या हम लोग इससे हाई वोल्टेज निकाल सकते हैं, और हाई वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो हमारे पास है ही, बहुत सारे मेरे पास फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर, लेकिन मुझे तो डाउट है कि ये मतलब हाई वोल्टेज अगर प्रोड्यूस कर भी लिया तो भी ज़्यादा बड़ा आर्क तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो आईसी है ये करंट को लिमिट कर देता है ताकि ज़्यादा करंट अंदर ना जाए। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो अब पता कैसे चलेगा, पता करने के एक ही उपाय, इसको खोलेंगे और इसका जो ट्रांसफार्मर उसको चेंज करके हम लोग देखेंगे कि फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को इससे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे मेरे बोलने का ये मतलब वेट नहीं करना, लेकिन आप कभी भी ये सब चीज़ें घर पे ट्राई मत करो। मैं ही करूँगा, आप लोग बस देखोगे, एंजॉय करोगे। आप कभी भी ये सब चीज़ घर पे ट्राई करने का कोशिश मत करना, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आप देख ही सकते हो, ये जो सर्किट है इसका जो स्क्रूज है मैंने खोल लिया, काम बचाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको, ये बहुत छोटा है, इसको हम लोग को चेंज करना है और फिर देखना है कि यह ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। तो पहले इसको मैं डिसोल्डर करके निकाल लेता हूँ, इस वाले ट्रांसफार्मर, उससे पहले सर्किट को निकालता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर एक कनेक्टर है, उसको हम लोग को डिसमेंटल करना पड़ेगा। इधर एक कनेक्टर है, उसको भी खोलना पड़ेगा, इसको भी खोलना पड़ेगा। तो अब चलिए इसको यहाँ से डिसोल्डर करते हैं और ये जो ट्रांसफार्मर है इसको निकालते हैं। सो हियर इट इज़, जो ट्रांसफार्मर है वो सर्किट से निकल चुका है। तो देख सकते हो, ये एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। तो अब यहाँ पर जो सर्किट है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इसका जो हम लोग का इनपुट पोर्शन है, वहाँ पर 3 पॉइंट है, मतलब हम लोग का फाइबर ट्रांसफार्मर में एक मिडिल टैप वाला वाइंडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक मिडिल टैप वाइंडिंग इस पर कर दिया है। और अगर आप पूछो मुझसे कि वो मैं इसका प्राइमरी जो यहाँ पर मैंने चूज़ करके रखा है उसको क्यों मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक मतलब मिडिल टैप रख के दो साइड पर वाइंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिडिल वाला पोर्शन है वो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव से, ये स्विच है, आपको याद होगा यहाँ पर स्विच का पॉइंट था। तो मैं इसको शॉर्ट करके रखूँगा अभी, ताकि मैं पावर सप्लाई ऑन करूँ और ये ऑन हो जाए। तो मिडिल में हम लोग को पॉजिटिव देना है, तो इसलिए हम लोगों को मिडिल टैप वाइंडिंग ही करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो वे, ओके, मतलब टू टर्मिनल से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल में हम लोग को पॉजिटिव देना है। तो आप देख सकते हो, मैंने अलग से 3 वायर कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ फॉर द मिडिल, ये हम लोग का एक टर्मिनल, इस जो मतलब कनेक्ट होगा दूसरे टर्मिनल में। तो मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। कनेक्शन एकदम रेडी है, ठीक है, मिडिल टैप में कनेक्ट हो गया है साइड में, और ये हम लोग का पॉजिटिव हाई वोल्टेज वायर, और नेगेटिव जो है वो यहाँ पर है, इसमें मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। और जो सर्किट है उसको मैं उल्टा करके रखता हूँ और कुछ भी सामने से हटा देता हूँ, कि अगर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आया या फिर कुछ ब्रुम ब्रम हुआ। तो अब ये है मेरा ग्राउंड वायर, ये पॉजिटिव, तो उसको मैं पावर सप्लाई से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो सब कुछ कनेक्टेड है, पावर सप्लाई भी इधर है आपके आँखों के सामने। तो मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, पर कुछ लूज़ हो रहा था कनेक्शन, तो मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। और यहाँ पर है स्विच, तो चलिए दोस्तों, 1 2 3। अब देखो जो हम लोग का ये, ओ माय गॉड, इतनी खुशी मुझे। तो अब देख सकते हो, काम कर रहा है, बहुत ही हाई वोल्टेज आर्क प्रोड्यूस हो रहा है इधर, ओ माय गॉड। तो मैंने कहा था ये काम करेगा, मुझे पता था,
मैं मुझे लग ही रहा था ये काम करेगा। देखो बहुत ही हाई वोल्टेज, और कोई भी ट्रिक नहीं है। मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। मॉस्फेट थोड़े गर्म हुए हैं, थोड़े गर्म हुए हैं, आईसी भी थोड़ा गर्म हुआ है। तो अब देखो मैंने आपको कहा था कि कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, और जो वायर है वो भी थोड़ा गर्म हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा पतला वायर यूज़ किया हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही अच्छे से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि ये काम कर सकता है। और अब देखो मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि अगर आप कुछ मतलब गलती से कुछ ऐसा मतलब कर दो तो अच्छा लगता है। तो अब चलो फिर से एक बार देखते हैं, मज़ा आ रहा है ना। बहुत डेंजरस है, प्लीज़ इसको घर पे ट्राई मत करना। इसको फिर से ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो चुका है। तो देख सकते हो आर्क कम से कम या करीब 15,000 वोल्ट या फिर 20,000 वोल्ट का आर्क है, क्योंकि जो इनिशियल जंप है ये डिसाइड करते हैं कि मतलब कितना हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, कि आप कितना दूर तक इसको खींच सकते हो। इससे कुछ प्रोड्यूस मतलब ये नहीं होता, लेकिन आप ये जो इनिशियल जंप है, इनिशियल ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो कितना हाई वोल्टेज है प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये करीब 20,000 वोल्ट तक का मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें P55N मॉस्फेट लगे हुए हैं जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस मॉस्फेट की जगह मैं कुछ हाई पावर मॉस्फेट लगा दूंगा, जैसे 30 IRF 3250 ऐसा कुछ मॉस्फेट लगा दूंगा जो ज़्यादा करंट और ज़्यादा वोल्टेज के लिए रेटेड हो। तो फिर मैं देखूंगा कि आर्क में क्या चेंजेस होता है। तो मैं अब जो मॉस्फेट्स हैं वो P55N मैंने आपको कहा था, उनको चेंज करके ये 3205 IRF 3205 मॉस्फेट लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा करंट और पावर हैंडल कर सकता है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ उस सर्किट में, फिर आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जो मॉस्फेट है 3205 लगा दिया है, और ज़ूम आउट करता हूँ, और थोड़ा लाइट क्वालिटी कम हुआ क्योंकि मैं जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ अभी उसी से मेरा लाइट्स जलते हैं, तो मैं उसको भी यूज़ कर रहा हूँ तो लाइट नहीं जला पा रहा हूँ, तो थोड़ा लाइट क्वालिटी कम है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो अब देख सकते हो मैंने अपने सर्किट में थोड़ा एक्सचेंज मतलब चेंजेस किए हैं। क्या क्या, मैंने एक इंडक्टर लगा दिया है हमारा मिडिल वाला पॉइंट में, लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखा कि मुझे लग रहा था ये मिडिल वाला पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ पर नेगेटिव से होके ये जो डायोड है डायोड से आके यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो ये सर्किट उल्टा काम करता है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव मिडिल टाइप में पॉजिटिव कनेक्ट होता है तो यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो मैंने अपना पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है और कुछ मॉडिफिकेशन मैंने किया, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया है, ठीक है। चलो मैं अब सर्किट को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो सर्किट जो है ऑन है, और जो आर्क्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जैसे आप देख रहे हो कितने बड़े आर्क्स अब बन रहा है इससे। तो अगर आप एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई बनाना चाहते हो तो आपको 1,000 रुपया दे के एक ZBS ड्राइवर खरीदने का ज़रूरत नहीं है, ना आपको बनाने का ज़रूरत है ZBS ड्राइवर। आप ईजीली ऐसे एक इन्वर्टर सर्किट को यूज़ कर सकते हो टू मेक वेरी हाई वोल्टेजेस, ओके, मतलब मैसिव वोल्टेजेस। अब देखो आर्क कितना बड़ा है, कितना बड़ा तक ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। और ये जस्ट 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर बैटरी यूज़ करता तो ये आर्क का साइज़ और भी बड़ा होता है। और जो मॉस्फेट है वो अभी ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है, थोड़े वार्म हो रहा है, मतलब हाई पावर मॉस्फेट से यही हम लोग को सुविधा मिलता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर था यही बेस्ट था इस सर्किट के लिए, बेस्ट है इस सर्किट के लिए। मैं बड़ा ट्रांसफार्मर अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं बाद में इस सर्किट को और मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा जिससे मैं बड़ा ट्रांसफार्मर भी ड्राइव कर सकूँ। उसके लिए मुझे डाटा शीट चेक करना पड़ेगा आईसी का। तो
बाकी जो है सब कुछ अच्छे से काम किया। मैं जो सोच रहा था वो एकदम परफेक्टली काम आया। और मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ ऐसे, तो मैं तो झुक के क्यों बात कर रहा हूँ अगर आप पूछो तो, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं और ट्राईपॉड छोटा करके रखा है। बड़ा करने का मुझे अभी मतलब मेरे में एनर्जी नहीं है, और मेरे पैर में भी चोट लगा हुआ है, मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो वीडियो अभी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। बहुत ख़राब चोट लगा है, मेरा पैर जल गया था, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट भी हुआ। लेकिन मैं जो सोच रहा था वो एकदम काम आया। और ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो यूट्यूब ने, मतलब यूट्यूब में पहले तो किसी ने शायद किया नहीं होगा कि जो छोटा इन्वर्टर सर्किट है उससे फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को चलाने का। तो मैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं टेस्ला कॉल बनाने के लिए पाइप लाया हूँ। इतना बड़ा तो नहीं होगा, इसको मैं काटूँगा, मतलब एक रेशियो होता है उसके अंदर, एक एक वीडियो एक टाइम में। तो वेट करो इस वीडियो के लिए जहाँ पर टेस्ला कॉइल आपको बनाना दिखाऊंगा और उसको चलाऊंगा भी, और शायद मैं इसी सर्किट से इस टेस्ला कॉइल को चलाऊं तो क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसको पता है, मुझे भी नहीं पता है, या शायद पता है। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, देख लिए, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। पर हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके, बाय।